पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो काफे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। तो ठीक है, जैसे ही सिम्बा आ जाए तो हम सब मिलकर उससे निपट लेंगे, क्यों? Yes. अब तुम अमर हो गए हो, मगर इसी के साथ समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। सिम्बा यहाँ पहुंच चुका है। गुड, आने दो उसे, हम चारों उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कुछ पापियों ने मुझे पकड़कर बंद कर दिया है, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। अगर मैं अभी तुम्हें वहाँ से छुड़ाऊंगा तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा और तुम जो काम करने आए हो वो करना मुश्किल हो जाएगा। केएलआर, वो जैसे ही छूटेगा तुम्हें कांटेक्ट करेगा, तब तुम उसे कनेरी गुफा के पास बुला लेना, ठीक है? और अब आगे। चलो भाई, चलो। मॉर्निंग मॉर्निंग, उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। नाम क्या तुम्हारा? नाम सिम बाबा। सिम बाबा, बड़ा अजीब नाम है। खैर छोड़ो, तुम एक बात बताओ सिम बाबा। अरे यार, तुम इतने लंबे चौड़े हो, हट्टे कट्टे हो, ये सब बेकार के धंधे छोड़ के पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? क्या 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 हो जाऊं? भर्ती भर्ती समझ में नहीं आती क्या? बारिक सिंह से भर्ती समझाओ। भर्ती नहीं समझते क्या? वो हो जाऊंगा तो क्या यहाँ से छूट जाऊंगा? तुम छूट ही नहीं जाओगे, बल्कि यहाँ पे कितने लोगों को लाके बंद कर दोगे, समझ में आया? तो फिर समझो हो गया। तुम तैयार हो गए? पक्का। अरे शाबाश शाबाश, क्या बात है यार, मैंने इसको तैयार कर लिया। सर मुबारक हो सर, एक अपराधी को आपने शरीफ आदमी बना दिया है, अभी आपका प्रमोशन पक्का है सर। प्रमोशन? हाँ हाँ, मेरा प्रमोशन होगा। थैंक यू थैंक यू। ऐसा करते हैं बारिक सिंह, इसे जल्दी एसीपी सबके पास ले चलते हैं। चलो भाई सिंह बाबा, हम तुम्हें अपने बाबा से मिलाते हैं, एसीपी साहब। चलो भाई खोलो इसको, चलो चलो चलो, बारिक सिंह मेरा प्रमोशन होगा। तो समझ गया ना सिम बाबा? हाँ, आज के बाद कोई गलत काम तो नहीं करोगे, देश का नाम करोगे, देश के लिए काम करोगे, पुलिस में काम करोगे। चलो भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ यार। चलो बारिक सिंह। बारिक सिंह चलो।
जवाब दो के अलार्म। बोलो सिंह बाबा। मैं आजाद हो गया हूँ, अब तुम आकर मुझे मिलो। आजाद हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर तुम कहाँ हो? मैं किसी जंगल में हूँ। तो तुम ऐसा करो कि तुम वहीं पहुँच जाओ, कानेरी गुफाओं के पास खाली मैदान में। लेकिन मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा, किसी से भी पता पूछ लो और पहुँच जाओ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं वहीं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ? सिंह बाबा आजाद हो गए हैं। मगर वो आजाद हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें कनेरी गुफा में बुला लिया है। तो फिर हम आके खड़े हैं, चलो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नताशा और आप देख रहे हैं नताशा का तमाशा, द तमाशा शो। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में कुछ ऐसे बकरे ढूंढते हैं जो खुद का तमाशा बना सके और उनका तमाशा देखकर हम और आप मजे ले सके। तो देखते हैं आज हमारे शो में कौन सा बकरा फंसता है। Are you ready guys? Yes, come on! भाई साहब, ये कानेरी गुफा किधर है? आइए चलिए। मैडम जी, मैडम जी, ये है ना कैमरा। Hello, sir. Wow, what a specimen! क्या height है, क्या body है, क्या dress है, भाई साहब, मैं आपको पूछ सकती हूँ आप दिन के इस वक्त कौन सी fancy dress party में जा रहे हैं? भाई साहब, मैंने आपको पूछा आप दिन के इस वक्त कौन सी fancy dress party में जा रहे हैं? अप्सरा। इसी जगह का नाम है। ओह, समझी। लगता है आप जिस सीरियल या फिल्म में काम करते हैं, उसका नाम है अप्सरा। तो शायद आप उस फिल्म में कोई डांस वांस भी कर रहे होंगे, या नहीं? अप्सरा। वो तो आपने सुन लिया। अब जरा आगे भी बोलिए। आगे। लगता है ये हमारी भाषा समझते नहीं है। भाई साहब, मैंने आपको बोला कि आपको डांस वांस आता है या नहीं? क्या आता है? साहब, क्या आपको कोई नृत्य वृत्य आता है या नहीं? नृत्य? लगता है ये भी ऊपर से गया, मुझे ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ और आप मुझे फॉलो कीजिए, ओके? अरे तुम भी करो ना, come on! बाबा, पता नहीं कितनी देर होगी। क्या पता वो कहां से आ रहा है और अब तक कहां पहुंचा होगा। बस 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 बस, बहुत अच्छा डांस किया आपने, अब आप थक गए होंगे। ये लीजिए, तब तक एक सेब खाइए। अब तरा खाइए खाइए। अब तरा कब तक वेट करें सिंह बाबा का? हाँ, हम यहाँ कब से बोर हो रहे हैं। वो इस शहर में नया है, उसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा टाइम? अगर थोड़ा टाइम लगता ना तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन अब तक कितना टाइम हो गया है?
मैं उसे कांटेक्ट कर रहा हूं। सिम बाबा, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सिम बाबा, कहां हो तुम? जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका नाम है सिम बाबा, हमें ये तो पता नहीं कि अली बाबा के पापा हैं या भाई। फिलहाल तो हम इन्हें एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहेंगे। सिम बाबा जी, क्या आपके लिए गिफ्ट? अप्सरा। इसमें भी अप्सरा। आप गिफ्ट तो खोलिए। खोलिए खोलिए। मैंने टेलीपैथी से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर बात नहीं हो पा रही। तो फिर क्या करें? कितनी देर इंतजार करें? मेरी बात मानो, अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। वो कहीं भटक गया होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है तो ठीक है, चलते हैं। केलार, उससे दोबारा कांटेक्ट होगा तब देखेंगे। चलो। So viewers, ये था आज का नताशा का तमाशा। Don't forget to watch it next week, same time, same channel. Till then, see ya. Come on, guys. अप्सरा। Ooh, सिम बाबा जी, thank you so much. आप हमारे शो में आए, हमें बड़ा मजा आया। अप्सरा। It's okay, सिम बाबा जी। अप्सरा। पर बुलाया और दोनों ही बार वो नहीं पहुंचा। राइट। और फिर केएलआर से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। इसका मतलब कि वो राइट। जो शक तुम सबको हो रहा है वही मुझे भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिम बाबा के साथ मिला हुआ हो और हम सबको उल्लू बना रहा हो? केएलआर, मैं फिमांचो बोल रहा हूँ। केएलआर रिपोर्टिंग, ग्रेट फिमांचो। तुम कहाँ हो? अभी तक सिम बाबा से मिले क्यों नहीं? मैं यही हूँ मुंबई में, 2004 में, ग्रेट फिमांचो। मैंने सिम बाबा से मिलने की कोशिश की, मगर वो मिलने की जगह पर पहुँचा ही नहीं। मैंने सिम बाबा से भी बात की थी, उसे लग रहा है कि तुम उसके साथ कोई खेल खेल रहे हो। उसे ऐसा क्यों लग रहा है ग्रेट फिमांचो? क्योंकि तुम बार बार उसे मिलने बुलाते हो और वो उस कोशिश में बार बार किसी ना किसी चक्कर में फंस जाता है। अगर वो भटक जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती है ग्रेट फिमांचो? तुम्हारी बात भी सही है। मैंने भी उसको यही समझाया कि तुम तो एक मशीन हो और एक मशीन इंसान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती।
थैंक यू ग्रेट हिमांशु। मगर सिम्बावा इस युग की चीजें देखकर कंफ्यूज हो रहा है। इस मामले में तुम्हें ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। कैसे ग्रेट हिमांशु? इस बार तुम उसे मिलने मत बुलाओ। वो जहाँ भी हो तुम वहीं जाकर उससे मिलो और दोनों मिलकर अपना मिशन जल्दी से जल्दी पूरा करो। जो आज्ञा ग्रेट हिमांशु, मैं उससे मिलकर अपना मिशन पूरा करूंगा। गुड, ओवर एंड आउट। कहाँ जा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलो इसका पीछा करते। करना ही पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि केएलआर और सिम्बावा मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। चलो 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 जल्दी। सिम्बावा मैं आ गया हूँ। तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। I'm sorry सिम्बावा, अब मेरे लिए क्या आदेश है? अभी कुछ नहीं, मगर रात के समय मुझे उस लड़के के घर ले चलना ताकि मैं उसका काम तमाम कर सकूं। मेरे ख्याल से तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसकी बजाय मैं जूनियर जी को कनेरी गुफा में ले आता हूँ क्योंकि तुम उसे वहां आसानी से खत्म कर सको। तुम मुझे बार बार वहां क्यों बुला रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने वहां मेरे लिए कोई जाल बिछा रखा है। तुम बेवजह शक कर रहे हो मेरे ऊपर सिम्बावा। दरअसल मामला इसका उल्टा है। मैंने वहां जूनियर जी के लिए जाल बिछाया है। मतलब? जूनियर जी देखने में बच्चा है मगर बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है वो। मैंने इसीलिए गुफाओं में ऐसा फोर्स फील्ड तैयार किया है जिसमें घुसते ही उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर उसे ठिकाने लगा देंगे। ऐसी बात है तो ठीक है, उसे वहीं पर बुलाओ। मगर तुम मेरा अब यहीं इंतजार करना। उसे वहां बुलाने के बाद मैं खुद यहां आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम इस बार कहीं भटक ना जाओ। ये ठीक रहेगा। ठीक है तो मैं जाता हूं। इसमें समझने ही क्या बात है कि दोनों ऐसे चुप-चुप कर मिल रहे हैं। इसका मतलब जरूर ये दोनों हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें इनकी चाल को नाकामयाब करने के लिए एक चाल चलनी पड़ेगी। अब तू क्या करेगा? जहाँ हमने सिम्बावा के लिए फोर्स फील्ड बनाया है वही केएलआर के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा। उससे क्या होगा? उस फील्ड में घुसते ही सिम्बावा के साथ साथ केएलआर की भी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और हम उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। राइट, तो फिर चलो। चलो हेलो एवरीबॉडी। सुबह से कहाँ चले गए थे? हम लोग क्लास में थे, अभी वहीं से आ रहे हैं। नहीं, उसके पहले तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग कुछ काम से गए थे। लेकिन तुम सुबह से कहाँ गए थे? मैं तो तुम्हारे ही काम से गया हुआ था। हमारा काम?
वो क्या? मैं जाकर सिम्बाबा से मिला। तो आखिर तुम्हारी मुलाकात हो गई ना उससे? हाँ, मैंने उसे तुम्हारी वाली जगह पे आने के लिए राजी भी कर लिया है। वेरी गुड, ये तो अच्छा काम हो गया। वहाँ कब आ रहा है वो? मैं जब भी कहूँगा तभी वो आ जाएगा। वेरी नाइस, तुम तब तक उसे वहाँ बुला लो और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा, अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पहले की तरह फिर भटक गया तो? इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसके पास जाकर उसे अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचूंगा। ये तो अच्छा रहेगा, तुम साथ रहोगे तो वो कहाँ जाएगा? तुम उसे बुलाओ, हम पहुँचते हैं। राइट। तुम्हें क्या लगता है, ये केएलआर हमारे साथ है या हमारे साथ होने का नाटक कर रहा है? अब इसमें लगने हो क्या है, तुमने खुद देखा ना उसे छिप छिप कर सिम्बाबा से मिलते हुए। मिलते देखा था, लेकिन छिप कर मिलने वाली बात पर मुझे अब भी शक हो रहा है। क्या मतलब? अभी देखो ना, तुम्हारे सामने बात हुई थी ना उससे, उसने एक बार भी छिपाने की कोशिश नहीं की कि वो सिम्बाबा से मिलकर आया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि हम खामोखा उस पर शक कर रहे हैं। देख गौरव, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ, वो हमें बिना बताए उसे मिलने क्यों चला गया? हो सकता है कि उसे हमें बताने का मौका ही ना मिला हो। पर ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने मिलते समय हमें देख लिया हो, इसीलिए केला ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो सिम्बाबा से मिलने गया था। देख, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ ये बार बार हो रहा है। पहले तो सिम्बाबा हमारे जाल से बच जाता है और उसके बाद ये दोनों छिप छिप कर मिलते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम सब लोग ना बेमतलब कंफ्यूज हो रहे हो। आई एम डैम श्योर कि केएलआर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। ठीक है, अगर तुम सबको लगता है तो ऐसा ही होगा, शायद मैं गलत हूँ। चलो सिम्बाबा। चलूं? और वो लड़का? मैंने उसे किसी भी बहाने से वहां बुला लिया है। यस। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी।